देखो अब कैसे गिरता है बाजार, अब देखो पुट ऑप्शन कैसे भागती है। जस्ट लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, आई टोल्ड यू दिस वाज अ स्टॉप लॉस कैंडल, दिस वाज माय एक्सपीरियंस गाइस, अगेन बैक टू 68, आई टोल्ड यू री एंटर एट 60, स्टॉप लॉस तो कवर 69, 70, 71, 72, 73, 74, वाओ 73.80 हिट, फैंटास्टिक, जबरदस्त आया पैसा, दिस इज कॉल्ड एस ट्रेडिंग, दिस इज कॉल्ड एस ट्रेडिंग। हु विल टेल यू दिस वॉज अ स्टॉप लॉस कैंडल, कौन बताएगा आपको ये स्टॉप लॉस कैंडल थी, ये एरो मार्क कर दिया, ये स्टॉप लॉस कैंडल थी, चिल्ला चिल्ला के बोला स्टॉप लॉस कैंडल है, बोला ना री एंट्री मारा 60 पे, 60 पे स्टॉप लॉस कटा, 60 पे री एंट्री मारा, वापस 70 बिका, 74 बिका, बनाओ पैसे, एग्जिट और एक्सपायरी है, वही लोग ट्रेड करेंगे जिनकी उंगलियां तेज चलती हैं, जिनकी उंगलियां तेज नहीं चलती वो इस एक्सपायरी से दूर रहे। स्कैल्पर्स की जरूरत है आज, स्कैल्पर्स की जरूरत है, बाजार सेंटीमेंट शिफ्ट कर रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट शिफ्ट कर रहा है, तो हो ना हो बाजार अपने गैप को फिल करने की तैयारी करेगा, ध्यान रखना गैप को फिल करने की पूरी पूरी चेष्टा है मार्केट की। सेंटीमेंट बुलिश हो सकता है बट जब तक गैप फिल नहीं होंगे बुलिशनेस में मजा नहीं आएगा। तो अल्टीमेट स्टॉप लॉस फॉर 18,300 पुट ऑप्शन विल बी 56 रुपीज, 56 इज द अल्टीमेट स्टॉप लॉस, जिसको होल्ड करना है करो, एंजॉय दिस ट्रेड गाइस, यू विल गेट सच ट्रेड्स एवरी डे बिफोर 11 o'clock, आपको 11 बजे से पहले पहले आपको दो तीन ट्रेड मिलेंगे, कम से कम 2 से 4 ट्रेड मिल जाते हैं, बहुत अच्छे वाले पैसे बनाओ जाओ। एकमात्र अगर मुझे एक स्टेटमेंट में पूछो कि मार्केट का रुझान किस तरफ है, मार्केट का रुझान गैप को फिल करने की तरफ है, गैप फिल करने के लिए बाजार को नीचे आना होगा, तो 225 इज द की, वेरी वेरी की एरिया, ये गैप फिल होगा तब हम सोचेंगे कि हमें कहाँ जाना है क्या करना है, तब तक नीचे आए उठाओ ऊपर जाए बेचो, नीचे आए उठाओ, कितनी बढ़िया ट्रेडिंग मिल रही है यार, 60 से 70 रुपए 10% की रिटर्न आपको, कितने ट्रेड मिल गए, लुक एट निफ्टी, लुक एट निफ्टी अब चलेगा 80 के लिए, टका टक टका टक, फर्स्ट टारगेट 80, 77 किया हुआ, इसको करते हैं 82, चलो जी, ये देखो इसे कहते हैं बॉटम फिशिंग, ये गैप अगर निफ्टी का गैप फिल हुआ तो ऑप्शन का गैप भी फिल होगा भाई, 100 रुपए के आसपास लगेगी, ये ध्यान रखना, ट्रेड ऑफ द डे, ट्रेड ऑफ द डे, 60 रुपए का माल अगर 100 रुपए होता तो पैसे ऑलमोस्ट डबल होते हैं, ऑलमोस्ट डबल होते हैं। शादीराम जी मजा आ गया, क्या बात है सर, 18,300 पी कहां तक जा सकता है बताया दोस्त, बताया 80 की उम्मीद तो है ही मेरी, ये मेरा टीटीसी का लेवल भी है, देखो टीटीसी का लेवल भी है, अगर मैंने आपको 60 रुपए पे एंट्री कराई है तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको 56 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, पहला टारगेट 72 का जो खड़ा हुआ है हो गया, सेकंड 80 का, थर्ड 90 का, चलो टक 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 79, 80 रुपीज, 80 रुपीज, 80 रुपीज, 84, 84, चलो चलो चलो, बोला ना आपको कि गिरेगा फिर गिरेगा फिर गिरेगा, गिरा ना 84, चलो छापो पैसा। दीपक गांधी जी यू आर अमेजिंग, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, देखो आप देखो हैरान हो जाओगे, मैं रिंग दिखाता हूँ, छोटे छोटे स्टॉक्स, छोटा हो स्टॉक बड़ा हो कैलकुलेटर के पार नहीं जा सकता, 30 रुपए से मैरिन लेके बैठा हूं मैं, 36, 42, 49, हैरान हो जाओगे पिछला हाई कितना है, अभी तक ये स्टॉक चला कहां से कैसे चला है, देखो इस स्टॉक को मैं 36 रुपए से लेके बैठा हूं, कहां से ब्रेकआउट कहां से हुआ है, देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई, और मैं चाहता हूं कि सब लोग लिखें, दिखना चाहिए, ये सपोर्ट बना के वापस भागा 36 रुपए से, 36 से हाई कितना मारा 49, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन 86 रुपीज, देखो ये होती है, दिस इज ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, लेना है तो क्लास की वेट करो, फ्री लेना तो क्लास की वेट करो, वरना वेबसाइट पे जाओ stockspartshara.com, आप बोलोगे लो माल बेच दिया, कोई जबरदस्ती नहीं लेने की भाई, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं लेने की, मन करे लेना मन नहीं करे बिल्कुल मत लेना, राइट यहाँ पे जाओगे पे नाउ सेक्शन में है, वेबसाइट के ऊपर में पे नाउ पे क्लिक करोगे, 1 महीने के 6,000 रुपए है इसकी वैल्यू है, वर्थ है 1 साल के 17,700 रुपए, लेना लो वरना मत लो, कोई लुक एट ऑप्शन पुट ऑप्शन, देखो एग्जिट क्या बोला था, मेरा फोकस किधर है, सारा एग्जिट पे फोकस है, सारा फोकस ही एग्जिट पे है, देखो 90 रुपीज से कितना शानदार एग्जिट करा है, कितना शानदार एग्जिट करा है, 73 वापस, क्या चाहिए जिंदगी में, एक बढ़िया ट्रेड और यहाँ बार बार मिल रहे हैं, 18,300 की पुट ऑप्शन फिर से ले लो, 64 के स्टॉप लॉस के साथ में बहुत पैसे कमा लिए, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बैठो, 18,200 की कॉल ऑप्शन में पंगा लेने की बात हो रही है 36 रुपीज के आसपास में,
36 के आसपास मिलेगा, 10-15 पॉइंट का एक्सपायरी है, रिस्क लेंगे 20 रुपये के आसपास सरप्लस लगाएंगे, ओपन छोड़ देंगे। ये मैं आपको 1044 पे लिख के जा रहा हूँ, ये चीज़ मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, अभी यहीं हूँ, पर 1044 पे आपके लिए मैंने मार्क कर दिया है, 1044 पे मैंने आपके लिए ये लिख दिया है कि 18200 की कॉल ऑप्शन, अभी 49 है, हालांकि हम 40 से बात कर रहे हैं, 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, टारगेट ओपन है। दोस्तों निफ्टी ने बड़ा गजब खेल किया और बाजार बिल्कुल साइडवेज हो गया, 18225 के जब नीचे चला तो उसके ऊपर चला ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, उसके ऊपर गया ही नहीं, वही 18200 ही कॉल ऑप्शन, आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये जो 0-0 ट्रेड करना चाहते हैं वो करें, बाकी ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते रहे। तो ये वो कॉल थी जो 60 से 65 रुपये तक गई है, बार बार गई है, 50 रुपये हमारी एंट्री थी और इस पर हमने एग्जिट दिया था कि भाई या तो स्टॉप लॉस लगाना है 20 रुपये के आसपास में, या ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं 10 रुपये, जिन्होंने 10 रुपये की ट्रेडिंग की होगी उनको तो 2 से 3 ट्रेड मिले हैं 11 बजे के बाद भी। देखिए 11 बजे के बाद पहला ट्रेड ये था 10:57 जब गया था 46 रुपये से लेके 61 रुपये, फिर दोबारा वहीं आई थी 46 रुपये, 46 से फिर दोबारा 61 रुपये, तो 20 रुपये यहाँ कमा लिए थे बेसिकली। अब जिसने टारगेट ओपन छोड़ा होगा और स्टॉप लॉस लगाया उसका 20 रुपये स्टॉप लॉस भी कटा, ठीक है, 46 पे लेके 20 पे स्टॉप लॉस कटा, फेयर है ना, 49 के आसपास में, तो मोटा मोटा 30 रुपीज़ का लॉस हुआ, पर 20 रुपये यहाँ कमाए और सुबह पहले 3-4 बार कमा चुके थे। तो उसके बाद वो कॉल ऑप्शन जीरो हो गई, वी एडमिट दैट कि ठीक है बाजार है, बाजार के अगेंस्ट कभी जाना नहीं चाहिए, बट सबसे अच्छी बात यह रही कि बाजार बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चला जैसा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर ने हमें सजेस्ट किया था और हमारे सुबह के लाइव सेशन मेंबर्स को ये सब चीज़ें पता लग गई थी। तो हाईलाइट द डे वॉज की यस निफ्टी 18,360 के नीचे चलता तो दो टारगेट्स हमें फिर से मिलने चाहिए थे, 225 एंड 18,090। अभी जो बाजार चल रहा है निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 18,108 जो कल के लो के आसपास, कल के लो से भी नीचे है, तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू टच 18,090। उसके बाद ही हम कल देखेंगे कि क्या होने वाला है। यहाँ पे कल के लिए अगर प्ले करना होगा तो ऑफकोर्स 18,090 को मेंटेन करके बाजार चलेगा, तब हम बाजार में एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। 18,090 के ऊपर अगर कल बाजार चलता है, अगर अभी के लेवल्स को देख ले तो 18,120-125 के आसपास अगर बाजार में रैली आती है, 150 के ऊपर बाजार निकलता है तो सोच सकते हैं आगे जाएगा, बट फिलहाल बाजार में आज फिर से एक बेयरिश कैंडल ही दिखाई दिया है। सुबह के लाइव सेशन 9 से 11:30 दो घंटे रहता है, आज कोशिश थी कि 2 बजे के बाद आसपास आने की बट किसी वजह से नहीं आ पाया, मीटिंग्स थी कुछ, मीटिंग से फ्री नहीं हो पाया। डेली कैंडल देखे तो आज भी कंटिन्यूस सेकंड बेयरिश कैंडल हुई है, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड ट्रेंड की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो 18,090 बिकम्स द मदर ऑफ ऑल सपोर्ट्स, अगर 18,090 ब्रीच होता है देन वी आर गोइंग टू हेड फर्दर बिलो, हम फिर से नीचे जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं, मतलब मोटा मोटा 17,800 तक के लेवल फिर से दो टारगेट मिल सकते हैं, वही जाके एक सपोर्ट भी है 17,800 का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 17,800 के आसपास का एक सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 18,090 को मेंटेन करना। कल का दिन बताएगा कि कल हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं, बाजार को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, बाजार के साथ रहेंगे, डेटा रीड करेंगे, डेटा भी नेगेटिव है और कल का डेटा कैसा होगा, कल का बाजार कैसा होगा, आज FIs क्या पोजीशंस करके जाएंगे शाम को पता लगने वाला है, तब तक ये वीडियो आपके साथ चुकी होगी। तो प्लीज़ कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, 9 से 11 लाइव ट्रेडिंग करेंगे, 3-4 ट्रेड मिलेंगे, सुबह से 2 से 5,000 रुपये कमाएंगे और अपने घर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद काम पे जाइए, बाजार की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू गेटिंग अ पॉइंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।